हेलो गाइस, तो आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ एक वॉल क्लॉक की रिपेयरिंग करना है। तो वॉल क्लॉक रिपेयरिंग कैसे करते हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे मेरी ये वॉल क्लॉक है, ये देखिए चल रही है, लेकिन चलते चलते क्या होता है इसमें कि अपने आप ये रियल टाइम से पीछे हो जाती है। यानी कि जैसे हम मान लीजिए हम इसमें 6 बजाते हैं तो वॉल क्लॉक चल रही है, लेकिन जैसे ही हमारी यहाँ पे 7 बजती है, जो रियल टाइम 7 होता है, तो इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, चाहे वो 5 मिनट 10 मिनट ऐसा डिफरेंस आ जाता है। तो आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम वॉल क्लॉक की रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारी जो घड़ी है वो चल रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी ये बैटरी ओके है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बैटरी की जो पावर है वो कम हो जाती है। यानी कि बैटरी जो है 1.5 वोल्ट की होती है, तो वो अपनी वोल्ट से थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले हमें नई वो बैटरी डाल के चेक करना चाहिए। तो हमने न्यू बैटरी यहाँ पर डाली है, तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि हम थोड़ी सी देर वेट करते हैं। अगर थोड़ी देर वेट करने के बाद भी ये अगर 1 घंटे, यानी कि हम 1 घंटा वेट कर लेते हैं, अगर 1 घंटे के बाद भी ये अपने रियल टाइम से पीछे हो जाती है तो घड़ी में प्रॉब्लम है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये अपने रियल टाइम से 10 मिनट पीछे हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी बैटरी जो ये पुरानी बैटरी थी ये एकदम ओके है। अब फिलहाल हम घड़ी को रिपेयरिंग करेंगे। सबसे पहले मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा और आपका मोबाइल डाटा भी थोड़ा सा सेव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल मोसे सीखो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ तो आपके पास उस नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें इस वॉल क्लॉक के जो ग्लास है, सबसे पहले इस ग्लास को यहाँ पर मूव कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने जो चारों नट यहाँ पर खोल लिए हैं और इसको आराम से यहाँ से उठाएंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका जो ग्लास है वो यहाँ वॉल से अलग हो गया। तो हम इसे सेफली दूसरी साइड पे रख देंगे और इसके जो एक कॉर्नर है हम इसे भी अलग रख देंगे और इन स्क्रू को भी अलग कर देंगे। अब बारी आती है हमारे इस मशीन की, तो इस मशीन को सबसे पहले हमें रिमूव करना है। रिमूव करने कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जो ये वॉल क्लॉक की जो ये सुई है, ये बहुत ही केयरफुली हमें यहाँ से रिमूव करनी है। अगर थोड़ी सी भी हमारी ये सुई या काटा जो भी बोलते हैं इसे, अगर थोड़ी सी टेढ़ी होगी, अनबैलेंस होगी, तो दोस्तों बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। तो इसके सबसे इसे यहाँ से ना पकड़कर इसे इधर से ही पकड़ेंगे, तो और थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर खींचेंगे दोस्तों, तो ऐसे अलग हो जाएगी। हम यहाँ से हम यहाँ पर यहाँ से जो है तीनों सुई यहाँ पर अलग कर देंगे सेफली और इसे अलग साइड में रख देंगे। अब उसके पास एक ही चकनट इसे बोलते हैं, इसे एक तरह से डिबरी होती है, नट का नट वोल्ट होता है, तो इसे हम यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर इसका पेचकस या टेस्टर का कुछ का सहारा ले लेते हैं। आप प्लास की हेल्प भी कर ले सकते हो, बहुत ही ईजिली ये रिमूव हो जाएगा। थोड़ा सा इसे घुमाना है और ये लूज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये नट भी जो है हमारा खुल गया है। अब हम इस नट को भी एक तरफ साइड में रख देंगे संभाल के, क्योंकि बाद में हमारे ये काम आएगा। अब जो है हमारी जो ये मशीन जो है ये अलग हो गई है, अब हम इसका हमारा कोई काम नहीं, इसको भी हम अलग साइड में रख देंगे। सबसे पहले ये बैटरी रिमूव करते हैं दोस्तों। इसका जो मशीन का जो कवर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस कवर को आप बहुत ही सेफ्टी से खोलेगा, क्योंकि ये खोलते वक्त कई बार क्या होता है टूट जाता है। इसके यहाँ पर दो लॉक दिए गए हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये देखिए एक लॉक यहाँ पर है और दूसरा लॉक यहाँ पर है, तो इसे बहुत ही सेफ्टली खोलेगा। तो इसे हम यहाँ से नीचे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे और जो है ये खुल जाएगा। ऐसे ही दूसरा लॉक यहाँ पर हम ओपन करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये हमारा बहुत ही ईजी तरीके से रिमूव हो गया है। अब दोस्तों, बहुत ही खास बात यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। हम इसी कवर को जो है अलग रख देते हैं दोस्तों। इसके जो ये है, ये गियर है, गरारी भी आप बोल सकते हैं हिंदी में, सबसे बड़ा इसी का रोल है जो हमारी घड़ी जो है अपने रियल टाइम से पीछे हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों।
मुझे ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, तो प्लीज़ आपका एक लाइक मुझे इस वीडियो के लिए चाहिए होता है, तो प्लीज़ आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपका एक लाइक मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको इस गियर बॉक्स को ध्यान से खोलना है कि कौन सा गियर बॉक्स कहाँ लग रहा है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो प्लीज़ आप अपने कैमरे से इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कई बार गियर बॉक्स जो है हमारे ऊपर नीचे, क्योंकि इसमें 5-6 गियर बॉक्स आपको गियर मिल जाएंगे, 5-6 गरारी मिल जाएंगी, और आप अपने ध्यान से भटक सकते हो कि आपकी कौन सी गरारी कहाँ पर लगनी है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते, आप इसको खोलने से पहले वीडियो को रिकॉर्ड जरूर कर लीजिएगा, और उसके बाद जब आप लगाएं तो आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा कि आप उस वीडियो रिकॉर्ड को किए हुए रिवर्स कर दीजिएगा। जैसे आप रिवर्स करोगे तो आपको मालूम हो जाएगी कौन सी गरारी हमने पहले सेट करनी है और दूसरी, उसके बाद दूसरी सेट करनी है। तो दोस्तों मैं आपको गियर यहाँ पर निकाल कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसके सारे गियर जो है अच्छे से रिमूव कर देता हूँ, और मैं धीरे धीरे यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि कौन सा गियर कहाँ पर रहना है। ऊपर के मैंने 3 गियर यहाँ पर रिमूव किए हैं, उसके बाद अभी नीचे के गियर अलग हैं तो उसे भी मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। ये देखिए मैंने इसको पूरे को यहाँ से रिमूव किया है, और उसके बाद ये गियर यहाँ पर रहते हैं अभी, तो मैंने यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी जो हमारी वॉल क्लॉक में जो प्रॉब्लम थी कि हमारी घड़ी रियल टाइम से पीछे हो जाती है, तो वो इसी कारण से होती है क्योंकि जो ये गियर हैं, गरारी हैं, जो इनमें जो है डस्ट आ जाता है, और जो ये चलते चलते यानी कि जिस लेवल पे ये चलने चाहिए उस लेवल से थोड़ा स्लो चलते हैं डस्ट के कारण, तो उस कारण से जो है वॉल क्लॉक अपने रियल टाइम से पीछे आ जाती है। अब इसे हम एक ब्रश की सहायता से रिपेयर कर लेंगे, सॉरी वॉश कर लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि जो इसके कांटे हैं वो अच्छे से वर्क करें। आपको यहाँ पर डस्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इनमें डस्ट आ जाता है, तो इसे अच्छे से ब्रश की हेल्प से लेके इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर सारे गियर की अच्छे से सफाई कर ली है, अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने, अब वक्त आता है इनको वापस से सेट करने का। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने सारे जो गियर्स हैं वो यहाँ पर मैंने सेट कर लिए हैं ताकि मैं भूलूँ नहीं और कौन सी गियर कब स्टार्ट है। तो यहाँ से 1, 2, 3, उसके बाद ये कवर, फिर 4, 5, 6। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक गियर यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे सेट करनी है, आप इस गियर को ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिया घड़ी मशीन ले ली है इसकी, तो सबसे पहला गियर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, आपको ये पहला गियर इधर होल में डाल देना है। उसके बाद बारी आएगी दूसरे गियर की, आप ये दूसरा गियर जो इसके साथ में आपको गियर के साथ में आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है, आपको इसमें इसका ये सिरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको इधर सेट करना है, वो इस तरह से सेट हो जाए। उसके बाद थर्ड गियर की बारी आएगी, थर्ड गियर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबी चोंच वाला है, और वो आपको इधर फर्स्ट गियर के जो बीच का होल है वो आपको यहाँ पर सेट करना है दोस्तों, बीच के होल में यहाँ पर डाल देना। तो हमारा जो है ये 3 गियर जो है वो सेट हो गया, आप देख सकते हैं कि ये राउंड भी कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर घुमा रहा हूँ तो ये राउंड कर रहे हैं। उसके बाद बारी आएगी आपकी इस कवर की, आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके जो कॉइल है ये कॉपर कॉइल, आपको यहाँ पर 2 पॉइंट दिख रहे हैं, इस 2 पॉइंट को दोस्तों आपको जो इस सेल का जो पॉइंट दिख रहा है आपको, आपको इस पर ये सेट करना है, और जो ये बीच का जो ये बीच की जो निकली हुई है प्लास्टिक की छड़ी सी आपको इस गरारी के होल में डालनी है, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है और ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बारी आएगी इस गियर की, आप ये गियर यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल पतला सा गियर है, और एक तरफ बिल्कुल बारीक और दूसरी तरफ इसकी थोड़ी मोटी सी गरारी है। इस गियर को आपको यहाँ पर इसमें ये गियर आपको दिख रहा होगा एक होल, आपको इसमें यहाँ पर सेट करना है दोस्तों। उसके बाद बारी आएगी इस ट्रांसपेरेंट गियर की, ऐसे ट्रांसपेरेंट गियर है, आपको ये सेट कहाँ करना है दोस्तों, इसे मैं बता देता हूँ कि आपको इस कोइल के साथ में गरारी और गरारी के साथ में आपको एक छोटा सा बारीक होल दिख रहा है, आपको इस गियर का जो ये बारीक वाला पॉइंट है आपको इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि इस गरारी में और इस गरारी के बीच में गैप आ रहा है। उसके बाद ऑप्शन आता है लास्ट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पतली पिन निकली हुई है इस गरारी में, लास्ट गरारी है, आपको ये बीच में एक होल दिखाई दे रहा होगा, इस गरारी और इस गरारी के बीच में एक होल है, आपको यहाँ पर इसे डाल देना है। ओके, तो और इसे अच्छे से
सेट कर देना दोस्तों। अभी हमारी जो मशीन है यहाँ पर ये सेट हो गई है। अब आपको करना क्या है, आपको लेना है इसका कवर। कवर आपको बड़े ही ध्यान से करना है दोस्तों। हमारा जो सेल बैटरी वाला पॉइंट था वो ये है, तो इसको हम इस साइड से डालेंगे। और आपको ये ध्यान रखना कि हमारा जो ये ऑप्शन है जिससे हम टाइम इसको सेट करते हैं, उसके पीछे एक ग्रारी दी हुई है। इस ग्रारी को आपको, इस ग्रारी के साथ में एक पॉइंट देगा, आपको इस ग्रारी पर यहाँ पर सेट कर देना है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो मैंने कवर जो है वो सेट कर दिया। अब सबसे पहले मैं इस मशीन को चेक करूँगा अपनी वॉल क्लॉक पर लगाने से पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा ओवर्स वाली सुई, यानी कि घंटे की सुई, इसे मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद मिनट वाली सुई यहाँ पर लूँगा, और उससे सबसे लास्ट में लूँगा हमारी सेकंड की सुई। तो ये यहाँ पर सेट हो गई है। अब मैं इसमें बैटरी यहाँ पर डालकर देखता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर बैटरी डाल दिया, और आप देख रहे हैं कि हमारी जो एक मशीन है बिल्कुल ओके है। आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप एक लाइक देते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस मशीन को वॉल क्लॉक में फिट करते हैं। तो इस मशीन को हम यहाँ पर लेंगे, ऐसे सेट करेंगे, और इसके बाद जो हमारा जो यहाँ पर ये चकनट था जिसकी वजह से मशीन हमारी वॉल क्लॉक में सेट थी, तो उसे यहाँ पर ले ले रहे हैं। और इसे तो दोस्तों मशीन जो है हमारी एकदम टाइट हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको अब करना है वही जो काम मैंने पहले किया था। अब इसमें मशीन की जो सुई वगैरह है वो यहाँ पर सेट करूँगा दोस्तों। थोड़ा सा वो टाइट कर रहा हूँ, तो हमारी मशीन जो है टाइट हो गई है। अब सबसे पहले लेंगे हम वही घंटे की सुई दोस्तों। इस घंटे की सुई के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल मुझसे सीखो का घंटा भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस सुई में थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया था, तो मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ ताकि अनबैलेंस जो है बैलेंस सही हो जाए। अब लेंगे मिनट वाली सुई, और उसके बाद लास्ट में सेकंड की सुई। तो यहाँ पर सेट कर दिया है। अब मैं इसमें एक बार बैटरी यहाँ पर डाल के मैं देख लेता हूँ दोस्तों। तो हमारी जो क्लॉक है ये एकदम ओके हो चुकी है, ओके चल रही है। अब इसमें बारी आती है हमारे ग्लास फिट करने की। तो दोस्तों फाइनली जो हमारी घड़ी है एकदम ओके हो चुकी है, रिपेयर हो चुकी है। अब हम इसे वापस अपने वॉल पर टांगने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, और आप अच्छे से जान गए होंगे कि आप वॉल क्लॉक को रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक और उम्मीद करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ना दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझसे सीखो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक किए बिना मत जाइए दोस्तों। मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।